नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पानीपत के गांव सिवहा के पास चौटाला मोड़ पर गौ रक्षा दल के सदस्यों ने शुक्रवार की रात को 14 बैलों से भरा हुआ कैंटर पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। गौ रक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि इन सभी बैलों को पंजाब से लेकर लाया गया है और इन्हें मेवात में गौक्षी के लिए ले जा रहा था। इतना ही नहीं, कैंटर से राजस्थान नंबर की एक फर्जी नंबर प्लेट भी मिली है, जिसके बाद गौ रक्षा दल के सदस्यों ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गयी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 336, 420 व हरियाणा गौवंश संरक्षक अधिनियम 13 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 10:30 बजे के आसपास एक 407 गाड़ी बड़ी ब्राउन कलर की सूचना मिली थी कि पंजाब से गौवंश भर के ला रही है और कटने के लिए मेवात जा रही है। पूरी टीम गौ रक्षा दल की मिलके नाका लगाया हमने और उस गाड़ी को जाके सिवा बाईपास पे चौटाला रोड के आसपास हमने पकड़ा। पकड़ के जब उसको चेक किया तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में गाय उसके अंदर ठूस ठूस के भर रखी थी और इतने से के अंदर 14 गोवंश जिनके अंदर से नाक में से खून टपक रहे हैं ऐसे, और आधे नीचे गिरे हुए, आधे और नीचे मिट्टी डाल रखी ताकि बाथरूम या कोई गोवंश या गोबर करते हैं तो नीचे ना गिरे। पर जो आपकी टीम है वो सतर्क रहती है हमेशा कि यहाँ भाई लगातार जो अभी थोड़े दिन अभी हफ्ता भी 12 दिन हुए हैं अभी संभाल के गाड़ी पकड़ी गई थी गोवंश से भरी हुई, उसमें भी एक तस्कर पकड़ा गया जिसमें हमने शहजाद उसने खुद बताया शहजाद नाम है वो। पुलिस को बुला ली हमने, मौके पर सौंप दिया गया उनको। भाई कोई प्रशासन की तरफ से मदद मिलती है आप लोगों को जिस तरह आप जान जोखिम में डालकर हाईवे पर? हाँ, वो पकड़ने के बाद आ जाते हैं, प्रशासन को बुलाना पड़ता है कि जी ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ी आ जाओ, तो वो आए मौके पे, बढ़िया कार्रवाई करी उन्होंने, अच्छा सहयोग रहा उनका। पंजाब से पानीपत तक आप बता रहे हो भाई कि गाड़ी पहुँची, क्या लगता है भाई बीच में टोल भी होंगे? अरे भाई साहब सब कुछ है, टोल भी है, नाके भी हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सरकार भी है, और यहाँ नहीं मेवात तक जाएगी गाड़ी, वो मेवात तक जाएगी और वहाँ जाके कटेगी वो। मतलब इसमें कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन और सब सिस्टम मिला जुला सब चल रहा है जी, क्योंकि एक मिनट के अंदर तस्करी बंद हो सकती है, एक मिनट के अंदर अगर सरकार और प्रशासन चाहे लेना तो एक मिनट में तस्करी। योगी जी ने बंद करी यूपी में 2017 में जब सरकार बनी, योगी जी ने एक मिनट में तस्करी बंद कर दी। आज हम जिंदा है ना तो योगी जी की वजह से जिंदा है, नहीं तो यहाँ से गाड़ियाँ आती है 4-4, 5-5 यूपी से और पानीपत पर हमला करती थी, इधर से गायें उठा रही, उधर से गायें उठा रही, उधर से उठा रही और ले कर जाती थी वो। योगी जी आए एक मिनट में तस्करी बंद होगी, एक घंटे के अंदर योगी जी ने पूरी तस्करी बंद कर दी। तो क्या हरियाणा में नहीं हो सकती? हरियाणा में भी हो सकती है अगर चाहें तो। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।